संडे हो या फिर सैटरडे, हम अक्सर सोचते हैं वीकेंड में कुछ स्पेशल बनाया जाए, साथ ही साथ हेल्दी भी हो, टेस्टी भी हो और फीलिंग भी हो, मतलब लंच बनाने से छुट्टी ब्रंच बन जाए। तो आज कुछ ऐसा ही है। आज मैं बना रही हूँ राजस्थान की मोस्ट पॉपुलर रेसिपी दाल बाटी चूरमा, जो कि मैं अपने नेबर से ही सीखी थी। मतलब नेबर क्या, मेरी ऑनर आंटी थी, उन्होंने ही मुझे सिखाया था। वो राजस्थान से थी, बहुत ही अच्छी दाल बाटी बनाया करती थी और हर संडे हम लोगों को दिया करती थी। तब से ही मुझे बनाने की ये हैबिट हो गई। खैर, उनसे मैंने बहुत सारी रेसिपी सीखी थी। तो सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे हम दाल बाटी के लिए दाल, जो कि पंच मिल दाल से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर अरहर की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, छिलके वाली मूंग की दाल और छिलके वाली काली उड़द की दाल ली है, और पांचों की क्वांटिटी मैंने इक्वल ही रखी है। तो इससे ना जो दाल है ना, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। धो करके 4-5 बार मैंने इसे भीगने के लिए रख दिया है। अब बाटी के लिए आटा लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया और साथ ही साथ 1/3 कप मैं यहाँ पर सूजी ले रही हूँ। वैसे मैंने जनरली उन्हें सिर्फ आटे से ही लगाते हुए देखा है। उन्होंने एक मतलब वो लोग ना हल्का सा मोटा आटा पिसवाते थे, उसमें सूजी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मेरे पास भी वो मोटा आटा था, बट बहुत कम क्वांटिटी थी। लेकिन अगर आप सूजी आटा को मिक्स कर देंगे तो सेम वही रिजल्ट आता है। उसके बाद नमक ऐड किया है, अजवाइन ऐड कर रही हूँ और बाटी हमारे अंदर से भी फूली फूली बने, इसके लिए मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून खाने वाला सोडा ऐड किया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच यानी कि 3 टेबल स्पून घी। घी ऐड कीजिएगा, घी से ही बाटी का जो मतलब असली स्वाद है ना, वो आता है। तेल ऐड करने से बाटी उतनी अच्छी बनती भी नहीं है और खाने में भी नहीं लगती है। अच्छे से हम मोयन को मिला लेंगे आटे में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके मीडियम सख्त दो आपको यहाँ पर लगा करके तैयार करना है। बहुत ज़्यादा भी हार्ड नहीं लगाना है, नहीं तो जो बाटी है ना हमारी, बहुत ज़्यादा कड़क बन करके तैयार होगी, फिर आपको खाने में ही परेशानी होगी। तो मीडियम सॉफ्ट डो लगाया है। अब क्या करेंगे, इसे ढक के गीले कपड़े से 10 से 15 मिनट या फिर अगर आपके पास ज़्यादा समय हो तो आधे से 1 घंटे के लिए भी रेस्ट पे रख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं दाल को बॉयल करूँगी। तो पानी मैंने यहाँ पर हटा लिया है क्योंकि अच्छे पानी नहीं थे ये, और कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे हम दाल को। तो ये जो दाल है ना, आप 2-3 दाल से भी बना सकते हैं, लेकिन जनरली ये 5 दालों से ही बनाई जाती है, मतलब पंचमेल दाल इसे बेसिकली बोला जाता है। तो मैंने यहाँ पर दाल का 3 गुना पानी ऐड किया था और ऊपर से मैंने झाग निकाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, नमक ऐड किया 1 चम्मच और कुकर का ढक्कन लगा देंगे। थोड़ा सा घी भी ऐड किया था, दिखाना भूल गई। और इसमें ना 3 से 4 विसल आने तक के लिए हम यहाँ पर दाल को पका लेंगे। वैसे मेरी पीतल की कुकर है तो ये 2 से 3 विसल में ही दाल यहाँ पर रेडी हो जाती है। अब हम यहाँ पर जो बाटी बनाएंगे ना, वो मैं कढ़ाई में बना रही हूँ, तो बहुत ही इजी है इसे बनाना। बहुत ही अच्छी बाटी सीख करके तैयार होती है। तो मैंने यहाँ पर अपनी कास्ट आयरन वाली कढ़ाई ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट देता है और जलता भी नहीं है, मतलब जलता है तो पता भी नहीं चलता है, और बहुत ही अच्छे से बाटी बनती है इसमें। अब देखिए, आटा यहाँ पर 10 से 15 मिनट तक के लिए मैंने रेस्ट पे रखा था। अब आपको आटे को बिल्कुल भी मसल मसल के नहीं गूंथना है, डायरेक्ट इसी तरह से आपको यहाँ पर बाटी बनाने हैं। बाटी में जो आप क्रैक्स देख रहे हैं ना, उसे स्मूथ नहीं करना है, इसी तरह से क्रैक्स छोड़ देना है आपको, ताकि जब बाटी सिके ना तो वो क्रैक्स और भी ज़्यादा अच्छे से एकदम दरार पड़ जाए उसमें और बाटी बहुत ही अच्छी बने। एकदम ट्रेडिशनल तरीके से ऐसी ही बाटी बनाई जाती है। तो मैंने यहाँ पर सारी बाटी बना करके तैयार कर ली है। अब मेरे पास इस तरह से एक होल वाली प्लेट है, तो मैंने वो ली है। अगर आपके पास नहीं हो तो नॉर्मल प्लेट भी ले लीजिएगा। उसमें मैंने हल्का सा घी लगा दिया है ताकि जो हमारी बाटी है ना, नीचे से चिपके नहीं। और हम क्या करेंगे, इसमें अब सारी बाटी को रख देंगे, मतलब जितनी आ जाए उतनी हम रख देंगे। थोड़ा सा स्पेस बना के रखें क्योंकि बाटी हमारी थोड़ी फूलेगी भी। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 10 मिनट तक के लिए कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया था और अब मैं इसमें बाटी को ढक करके मीडियम फ्लेम पर छोड़ दूंगी। कढ़ाई में पकने में तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट लग जाएंगे।
लेकिन अवन में अगर आप बनाना चाहते हैं तो 15 मिनट में ही ये बन करके तैयार हो जाती है। तो मैं यहाँ पर इसे आज माइक्रोवेव में बना रही हूँ, आप इसे अवन में बना सकते हैं, माइक्रोवेव में बना सकते हैं, अप्पे पैन हो तो उसमें बना सकते हैं। जैसे मैंने कढ़ाई में बताया है वो तरीका तो बेस्ट है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो कन्वेक्शन मोड पे मैंने इसे रख दिया है 15 मिनट तक के लिए, प्री हीट किया था माइक्रोवेव को। और इधर जो दाल है ना वो भी अच्छे से पक गई है, तो अब हम इसके लिए तड़का बनाएंगे। थोड़ा सा दाल को यहाँ पर घोट लें ताकि हल्की सी मिक्स जैसी हो जाए। और इधर मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्च वगैरह लिया है। सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे ना कि बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 प्याज का यूज़ किया है क्योंकि मीडियम साइज़ की थी, बड़ी साइज़ की हो तो 1 प्याज का भी यूज़ करने से हो जाएगा। साथ ही मैंने यहाँ पर 6 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्ची को भी मैंने यहाँ पर बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब देखिए बाटियों को यहाँ पर सिकते हुए 12 मिनट हो चुके थे, तो मैंने इसे खोल करके पलटना स्टार्ट किया है। कलर तो अभी बहुत अच्छा नहीं आया है लेकिन बाटियाँ हैं ना बहुत ही फूल फूल करके एकदम देख सकते हैं कितने अच्छे दरार आ गए इसमें। हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे ताकि इसमें कलर भी बहुत ही अच्छे से आ जाए। और कढ़ाई में जो बाटी बनती है ना इतनी अच्छी लगती है ना, आप चाहे अवन में बना लें या फिर माइक्रोवेव में, लेकिन कढ़ाई वाली बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे जो मारवाड़ी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब गैस वाला अवन एक आता है बड़ा सा एल्युमिनियम का रहता है, उसके ऊपर जाली बनी हुई थी होती है, उसी में वो बाटी को रखते हैं और पकाते हैं, बहुत ही अच्छी बाटी उसमें भी बनती है। इधर दाल के लिए मैंने क्या किया है ना, घी ऐड किया है, साथ ही जीरा, सूखी लाल मिर्च, हींग और अदरक मिर्ची ऐड करी है। और इसे हल्का से यहाँ पर भून लेंगे, उसके बाद हम इसमें प्याज और हरी मिर्ची को ऐड कर देंगे। प्याज को यहाँ पर भूनेंगे जब तक कि इसका जो कलर है ना अच्छा सा ट्रांसलूसेंट सा ना हो जाए, तब तक के लिए हम भूनेंगे। मैं यहाँ पर 2 टमाटर का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि दाल हल्की सी यहाँ पर खट्टी रहती है तो अच्छी लगती है, वैसे खट्टी बनी नहीं थी। देखिए यहाँ पर जो माइक्रोवेव वाली बाटी थी ना वो भी इधर बन करके रेडी हो गई है। माइक्रोवेव वगैरह में या फिर अवन में बहुत जल्दी बाटियाँ बन जाती है। आप देख सकते हैं नीचे से इसमें कितनी अच्छी दरारें आई हैं, ऊपर नीचे से बहुत ही अच्छी बाटी सिक करके तैयार हुई है। और इधर जो प्याज थे ना वो भी भुन गए थे तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया, साथ ही हल्दी, नमक, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। वापस से इसे हम भूनेंगे जब तक कि जो हमारा टमाटर है ना अच्छा सॉफ्ट और मसी ना हो जाए। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी भी ऐड किया क्योंकि मसाले जलने लगे थे। और अब यहाँ पर बाटियों को सिकते हुए तकरीबन 22 मिनट हो चुके हैं और बाटियों में देखिए कितना अच्छा कलर आया है। कोई भी यहाँ पर बाटियों को देख करके नहीं बता सकता कि आपने इसे तंदूर में नहीं बनाया है, अवन में नहीं बनाया है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट मैं आपको यहाँ पर एक डिफरेंस बताना चाहती हूँ, जो हमने अवन में सेके थे वो नीचे से क्रैक आए हैं और जो कढ़ाई में सेकी थी वो ऊपर से क्रैक आए हैं, यही डिफरेंस है दोनों बाटियों में। बाकी कलर, टेस्ट, टेक्सचर दोनों का ही परफेक्ट आया है। इधर टमाटर भुन गए थे तो मैंने इसमें दाल ऐड कर दी है। दाल को हम यहाँ पर 5 से 10 मिनट तक के लिए इसी तरह से बॉयल होने देंगे, उसके बाद इसमें बारीक कटा खूब सारा धनिया ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट दाल बनती है। अब बनाएंगे हम चूरमा। तो जो अवन में सेकी थी ना बाटियाँ उसे मैं यहाँ पर आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं बाटियाँ कितनी सॉफ्ट बनी है। और ये गैस वाली है, ये भी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनी है और अंदर से एकदम परफेक्ट सिक करके तैयार हुई है। तो जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से यहाँ पर बाटी बना करके तैयार कर सकते हैं। चूरमा के लिए मैंने क्या किया ना, इसे हल्का सा दरदरा ही रखा है, मतलब ग्राइंड कर लिया है। वैसे जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है ना, हाथों से मल मल के उसमें गुड़ घी वगैरह ऐड करके बनाते हैं, मैंने देखा है कई बार आंटी को, बहुत ही स्वादिष्ट बनाती थी चूरमा। मैंने यहाँ पर उतना घी वगैरह ऐड नहीं किया है, 1 चम्मच ही ऐड किया है। वैसे ट्रेडिशनल तरीके में काफ़ी सारा घी इसमें ऐड होता है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड किए अपने पसंद के और यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर दिया और हल्का सा मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। वैसे जो ट्रेडिशनल तरीके से बाटी बनती है ना काफ़ी साइज़ में बड़ी बड़ी होती है और उसे आग में सेका जाता है,
वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने एक बार ढाबे में खाया था, मैंने इसमें खांड ऐड किया है, मतलब जिसे कि बूरा बोलते हैं, वो लोग इसमें गुड़ भी ऐड करते हैं और हाथों से मलमल की से बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा घी डला होता है इनमें। और ये देखिए, अब मैं यहाँ पर बाटियों को घी में डाल रही हूँ। आप चाहें तो इन बाटियों को ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन अगर पहली बार बना रहे हो, कभी कभी बनाते हो, तो ज़रूर से घी में ऐड करके खाइएगा, क्योंकि बाटी को खाने का असली जो मज़ा है वो घी के साथ ही है। बाटी हो, लिट्टी हो, घी के साथ ही अच्छी लगती है खाने में। बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी ये दाल बाटी चूरमा। कैसी लगी ये वीडियो, ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और इस संडे अगर आपको कुछ टेस्टी सा खाने का मन कर रहा हो, ट्रेडिशनल खाने का मन कर रहा हो, तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।